पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन सोमवार को वारासिवनी पहुंचे। यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, कारोबारी राजेश पाठक, छगन हनवत सहित भाजपा के नेता मौजूद रहे। आयोग अध्यक्ष बिसेन ने किसानों के ब्याज माफी योजना के फार्म वितरित करते हुए कहा कि भाजपा छल और कपट की राजनीति नहीं करती है। प्रदेश सरकार 11 लाख किसानों की 2123 करोड़ की ब्याज राशि माफ कर रही है, जिसमें बालाघाट के भी हजारों किसानों को लाभ मिलने जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने वचन पत्र में किसानों को 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन मैं नहीं मानता कि बालाघाट जिले के किसी भी किसान का कर्जा माफ हुआ हो। उन्होंने यह भी कहा कि हम बालाघाट जिले की सभी 6 और सिवनी बरघाट की भी सीटें जीतेंगे। हम कमलनाथ को चुनौती नहीं मानते हैं, तो फिर अनुभव की चर्चा ही क्या करना। आगे कितनी चुनौती मानते हैं बालाघाट विधानसभा अगर मिलती है उनको टिकट तो? देखिए, मैं तो कमलनाथ जी को चुनौती नहीं मानता, तो अनुभव जी का चर्चा करना निर्थक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ महीने पहले प्रदेश के सभी अहाते और गली गली में बिक रही अवैध शराब को बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के इस आदेश का कहीं पर भी असर नहीं हो रहा है। आज भी गांवों में और शहरों में धड़ल्ले से अवैध शराब बिक्री हो रही है, साथ में अहाते भी चल रहे हैं। इसी को लेकर वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम केरा भांडी की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने आज वारासिवनी थाने पहुंचकर शिकायत की। उन्होंने कहा कि गांव में बिक रही अवैध शराब को बंद किए जाने के लिए कुछ दिन पहले ही ज्ञापन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण शराब विक्रेताओं के हौसले बुलंद है। महिला सुमन नेवारे ने बताया कि गांव में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर कच्ची और पक्की शराब बिक रही है। रोजाना गांव में विवाद हो रहे हैं। शराब बेचने वालों को जब मना किया जाता है तो वे महिलाओं को मारने पीटने पर आमादा हो जाते हैं। इसी के चलते आज उन्होंने थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया और मांग की है कि गाँव में अवैध शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। समस्या हो रही है कि गांव के आदमी भी बिगड़ रहे हैं, घर का आदमी भी बिगड़ रहा है, खाने को चावल नहीं रह रहा है, बच्चे भी परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। गांव में कितने जगह शराब बिकती है सर? वो एक जगह बिकती है, लेकिन अड्डे तो बहुत है। कितने को होंगे फिर भी अड्डे? 4-5 अड्डे तो होंगे सर। किस समूह से आए हो आप लोग? लालबर्रा में अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्यवाही को लेकर क्षेत्र के विधायक ने 3D कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकानें आवंटन करने का सपना व्यापारियों को दिखाया था, लेकिन आज तक कोई भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, जिसे लेकर व्यापारियों ने आज विगत कई दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच लालबर्रा बंद का आह्वान किया, जिसका असर पूरे शहर में देखने को मिला है। सुबह से ही लालबर्रा मुख्यालय का पूरा बाजार बंद रहा, वहीं शाम को भी दुकानें नहीं खुली। व्यापारियों ने कहा कि 4 महीने पहले विधायक बिसेन के दबाव में प्रशासन ने बिना नोटिस दिए उनकी दुकानें तोड़ दी थी। यह सभी दुकानें जनपद पंचायत की ओर से 40 साल पहले व्यापार करने के लिए दी गई थी, जिसका व्यापारियों के द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क के साथ किराया भी दिया जा रहा था, लेकिन क्षेत्रीय विधायक ने अपना कोई भी वादा नहीं किया। व्यापारियों के सामने अपना परिवार पालने की समस्या आ गई है। इस दौरान व्यापारियों ने विधायक के नाम थाना प्रभारी को एक ज्ञापन भी दिया। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई।